नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कश्यप, एसोसिएट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग DAV PG कॉलेज। अपने UG 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए पेलियोग्राफी एंड इपिग्राफी पेपर से इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व, इस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वह है इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व। पेलियोग्राफी एंड इपिग्राफी प्रश्न पत्र में UG 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये शीर्षक है। इसको हम शुरू करें, इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इस काल की जानकारी केवल हमें पुरातात्विक स्रोतों से होती है, जैसे मृदभांड, औजार या उनके अन्य उपयोग में लाई जाने वाले पुरावशेष वस्तुएं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लेखन कला के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन किन्हीं कारणवश उसे हम आज पढ़ नहीं सके हैं। फॉर द एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 419 अक्षर हमें मिले हैं लेकिन उन्हें आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं, इस कारणवश इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अर्थात जिस काल से हमें अभिलेखों के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे मौर्य काल। मौर्य काल में अशोक के काल से हमें अभिलेख मिलने शुरू होते हैं और अशोक ने अपने अभिलेखों को ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्मेइक अनेक अभिलेखों में उसने लिखवाया, जो आज पढ़ा जा सकता है, इस कारण उसे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हुई काल विभाजन की बात, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम अपने मूल शीर्षक पे आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए 3 स्रोत हमारे पास हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत में वेद, पुराण, कल्हण की रासतरंगड़ी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित और ऐसे अनेक प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत लिखे गए ग्रंथ हैं जिनसे हम इस प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के और अन्य स्मारक आते हैं। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री अर्थात मेघस्थनीज, फाहयान, वेनसांग, इत्सिंग, बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने यहाँ की जलवायु, यहाँ के वातावरण, यहाँ के खान पान के बारे में उन्होंने देखा, समझा और अपने हिसाब से उन्होंने लिखा, वो भी प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आज के हमारे व्याख्यान का शीर्षक है, इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व। अपना ये व्याख्यान मैं शुरू करूं उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, लेखों को इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग करने से पहले हमें बहुत ही सावधानी, बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। स्कंदगुप्त के एक अभिलेख में कहा गया है, चतुः समुद्रान विलोर मैखलाम सुमेरु कैलाश बृहत पयोधराम, अर्थात उसका जो साम्राज्य था वो चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ था। लेकिन जैसा कि हम आप जानते हैं, समुद्र तो 3 ही हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। चौथा समुद्र कहाँ से आ गया? तो ये मेरे ख्याल से प्रशस्तिकार का लिखने की एक शैली थी, चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लिखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभिलेखों को जब हम इतिहास के स्रोत के रूप में रखते हैं तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अभिलेखों से हमें राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास और धार्मिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास में अभिलेखों से सबसे पहले हमें राजा की वंशावली मिलती है। वंशावली अर्थात राजा का नाम
उसके पहले उसके पिता का नाम, उसके पहले उसके पिता का नाम, ये अभिलेखों में बहुतायत रूप से हमें मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक श्लोक मिलता है, चष्टनस्य पौत्रस्य राज्ञः क्षत्रपस्य सुगृहीत नामनः स्वामी जयदामन पुत्रस्य राज्ञो महाक्षत्रपस्य रुद्रदामनो। अर्थात इस श्लोक में चष्टन, जयदामन और उसका पुत्र रुद्रदामन तीन पीढ़ियों की चर्चा मिलती है। दूसरा उदाहरण स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख का हम ले सकते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में एक श्लोक मिलता है, महाराज श्री चंद्रगुप्त प्रपौत्रस्य श्री घटोत्कच पौत्रस्य महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त पुत्रस्य कुमार देव्यामुत्पन्नस्य महाराजा श्री समुद्रगुप्तस्य पुत्रः तत्परिग्रहीत महादेव्या ध्रुवदेव्यामुत्पन्नस्य परम भागवतो महाराजा धीराज श्री कुमारगुप्तस्य प्रथित विपुल धामा नामतः स्कंदगुप्तः। अर्थात घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और उसके पुत्र स्कंदगुप्त की चर्चा गुप्त अभिलेख में की गई है। कहने का तात्पर्य है कि वंशावलियों की चर्चा भी अभिलेखों में हमें मिलती है। दूसरा, अभिलेखों में हमें युद्ध गाथा, युद्ध के बारे में भी चर्चा मिलती है। सबसे पहले हम अशोक का अभिलेख लेते हैं। अशोक ने अपने अभिलेख में साफ तौर से कहा है, उसने भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया। भेरी घोष अर्थात युद्ध के समय जब एक दुंदुभी जो बसती थी उसको उसने धम्म के रूप में, धर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया, ऐसा उसने अपने अभिलेखों में कहा गया है। अशोक ने अपने जीवन काल में कलिंग युद्ध किया, इसकी भी चर्चा उसके अभिलेखों में मिलती है। और कलिंग युद्ध के बाद संभवतः उसकी विभीषिका से वह इतना प्रभावित हुआ, इतना द्रवित हुआ कि उसने कभी भी जीवन में युद्ध न करने का निर्णय किया। इसके अलावा स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हमें स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित करने की चर्चा मिलती है। भीतरी अभिलेख में कहा गया है, एक श्लोक मिलता है, हूणस्य समागतस्य समरे दोभ्याम धरा कंपिता। अर्थात हूणों के आगमन से या हूणों के गुप्तराज पर आक्रमण कर देने से पृथ्वी कंपित हो उठी और स्कंदगुप्त ने अपनी भुजाओं के बल से उस पृथ्वी को स्थापित किया। तीसरा, शको सातवाहनों के युद्ध के बारे में भी चर्चा हमें उनके अभिलेखों से मिलती है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन, चालुक्य राजा पुलकेशिन के बीच युद्ध की चर्चा हमें पुलकेशिन के एहोल अभिलेख से मिलती है। तो इस प्रकार से युद्ध की चर्चा हमें तमाम अभिलेखों में मिलती है। तीसरे, अभिलेखों से हमें किसी भी राज्य की सीमा निर्धारण करने में बहुत ही सहायता मिलती है। जैसे अभिलेख उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो किसी राजा की राज्य की सीमा होती है, जहाँ जहाँ से प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम राज्य की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। अभिलेखों में कभी कभी हमें राजा की महत्वपूर्ण उपाधियों की भी चर्चा मिलती है। जैसे किसी राजा के नाम के पहले सामंत लगा हुआ मिलता है, जिसे प्रदर्शित होता है कि वह स्वतंत्र राजा न होकर के किसी राजा के अधीन शासक था। इसके अलावा अभिलेखों में कभी कभी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, सरिखी, बहुत लंबी उपाधियाँ मिलती हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अभिलेखों में वह राजा स्वतंत्र राजा था। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में हमें शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। शासन व्यवस्था अर्थात राज्य में द्वैध शासन प्रणाली, कभी कभी कुषाणों के अभिलेखों में द्वैध शासन प्रणाली की चर्चा मिलती है। द्वैध शासन प्रणाली अर्थात केंद्र में एक राजा और जो दूरस्थ के उसके राज्य थे वहाँ पर उसने किसी गवर्नर को नियुक्त कर रखा था, इसको द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। और सबसे पहले इसका प्रचलन कुषाणों ने शुरू किया था। यही कारण है कुषाणों के अभिलेखों में महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप वनस्पर के नामों की चर्चा हमें मिलती है। कभी कभी अभिलेखों में राजा के साथ साथ उनकी पत्नियां भी सहयोग करती थीं, इसकी भी चर्चा मिलती है। गढ़वाल राजा कुमार देवी के सारनाथ अभिलेखों से ये चीज़ प्रदर्शित होती है। अभिलेखों में कभी कभी हमें राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे अशोक के अभिलेखों में युत, राजुक,
प्रादेशिक धम्म महामात्र, व्रजभूमिक महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष महामात्र, सरीखे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत अभिलेखों के आधार पर हम इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु हम लेते हैं, अभिलेखों से सामाजिक इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। सामाजिक इतिहास में जो समाज का ताना बाना था, खान पान, रहन सहन, वस्त्राभूषण, विवाह, संस्कार इत्यादि, इन सभी के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण थे। सबके अलग अलग कर्तव्य बटे हुए थे। ब्राह्मण जिनके षडकर्म यजन याजन, पठन पाठन, दान और प्रतिग्रह, ये षडकर्म होते थे, इसकी चर्चा अभिलेखों में मिलती है। क्षत्रिय अर्थात जो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे, साथ ही साथ पूरा का पूरा राज्य का संचालन करे, वो क्षत्रिय होता था। उसके ये कर्तव्य होते थे, प्रजा को सुरक्षा देना और शासन करना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में मिलता है वह है कायस्थ नाम। कायस्थ नामों की चर्चा पूर्व मध्यकाल के बहुत से अभिलेखों में मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वह है गढ़वाल अभिलेख। गढ़वाल अभिलेखों में कायस्थ नाम की चर्चा मिलती है, जो कि संभवतः पटवारी होता था और सरकारी कागजों की देखभाल करता था, उनको सुरक्षित रखता था। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में हमें संस्कारों की भी चर्चा मिलती है। संस्कार अर्थात जात कर्म, विवाह इत्यादि की चर्चा अभिलेखों में मिलती है। गुप्त काल के एक सिक्कों में राजा रानी को सिंदूरदानी भेंट करते हुए प्रदर्शित किया गया है। सिंदूरदानी अर्थात विवाह के समय यह एक महत्वपूर्ण परंपरा होती थी, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विवाह नामक संस्कार उस समय प्रचलित था। अभिलेखों से हमें वस्त्राभूषण और साथ ही साथ खान पान के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में कुछ अंधविश्वासों के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। राहु, केतु, इन सब की भी चर्चा पूर्व मध्यकाल के बहुत सारे अभिलेखों में मिलती है। साथ ही साथ अशोक के अभिलेख, खारवेल के अभिलेखों में कुछ सामाजिक उत्सवों की भी चर्चा मिलती है। अब तीसरा बिंदु हम लेते हैं, आर्थिक इतिहास। अभिलेखों में आर्थिक इतिहास के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वह है श्रेणी, अक्षय निधि और टैक्स। श्रेणी अर्थात बैंक, आधुनिक काल में जो कार्य बैंक करते हैं वही प्राचीन काल में श्रेणियां करती थीं। श्रेणियों का मुख्य कार्य होता था पैसा जमा करवाना, सुरक्षित करना और उस पैसे पे ब्याज देना। दूसरा शब्द हमने यूज़ किया अक्षय निधि। अक्षय निधि की चर्चा कुषाण काल के अभिलेखों में मिलती है। अक्षय निधि ऐसा धन था जिसके ब्याज से हम कोई भी धार्मिक कार्य संपादित कर सकते थे, या उस टाइम पीरियड में लोग करते थे, उसको हम अक्षय निधि कहेंगे। तीसरा अभिलेखों में टैक्स की या कर की भी चर्चा मिलती है। पूर्व मध्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर तुरुष्क दंड की चर्चा गढ़वाल अभिलेखों में मिलती है। तुरुष्क दंड ऐसा कर था जो भारत की जनता को सुरक्षित रखने के लिए, तुर्कों से सुरक्षित रखने के लिए राजा के द्वारा लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त भाग, भोग, हिरण और तमाम बहुत सारे टैक्सों की चर्चा, कर की चर्चा हमें पूर्व मध्यकाल के अभिलेखों में मिलती है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में हमें कुछ भूमि के मापन से संबंधित जानकारियाँ भी मिलती है, जैसे पूर्व मध्यकाल के अभिलेखों में हल, पदावृत और नालुक, सरीखे कुछ नापन भूमि मापन की इकाइयों के बारे में जानकारी मिलती है कि भूमि की पैमाइश करके और तब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। अभिलेखों में हमें कुछ सिक्कों के भी नाम मिलते हैं, जैसे पुराण, द्रम, मासा, रत्ती, तोला इत्यादि। इस प्रकार से इन सभी के आधार पर हम अभिलेखों के आधार पर हम आर्थिक इतिहास का निर्धारण करते हैं। चौथा और अंतिम बिंदु है, अभिलेखों से हमें किसी भी राज्य या राजा के धार्मिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। धार्मिक अर्थात वह राजा किस धर्म से प्रभावित था। वह राजा बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, शैव हो सकता है, वैष्णव हो सकता है, आजीवक हो सकता है। अलग अलग राजाओं की अलग अलग धर्मों में रुचि थी, इसकी भी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं,
अशोक की रुचि व्यक्तिगत रूप से उसकी रुचि बौद्ध धर्म में थी, बौद्ध धर्मानुयायी था। इसके अतिरिक्त राजपुताना क्षेत्र, परमार अभिलेख और चंदेलों के अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि वह जैन धर्मानुयायी थे। कुषाण राजा वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन शैव धर्मानुयायी थे, इसकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। गुप्त राजा गढ़वाल राजा वैष्णव धर्मानुयायी थे, परम भागवत की उन्होंने उपाधि धारण की, गरुण को अपना राजकीय चिन्ह बनाया, ये भी जानकारी हमें अभिलेखों से ही मिलती है। इसके अतिरिक्त आजीवक धर्म के बारे में भी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। अशोक के पौत्र दशरथ की नागार्जुनी एवं बराबर पहाड़ी गुहा लेख से यह जानकारी मिलती है कि वह आजीवक संप्रदाय से प्रभावित था। इस प्रकार से अभिलेखों के आधार पर हम राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास और धार्मिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।